एनसीडीएक्स सोयाबीन अक्टूबर फ्यूचर्स में हमने देखा है कि जो प्राइस है वो 5,800 से 5,900 के बीच से दोबारा जो है करेक्शन दे रही है आज के सेशन में, और ऐसा लगता है कि जो हमने 5,350 के करीब से एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखा था वो कहीं ना कहीं थमता हुआ दिखता है, और ये पॉसिबल है कि हम दोबारा जो प्राइस को नीचे जाता हुआ देखेंगे, यानी 5,200 के करीब की एक संभावना बनी हुई है सोयाबीन की फ्यूचर्स में। तो मुझे लगता है कि उछाल पे बिकवाली करना फ़ायदेमंद हो सकता है जहाँ तक सोयाबीन का सवाल है। वहीं लेकिन अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में हम सीपीओ की तरफ रुख करें तो वहाँ पर हमने बढ़िया तेज़ी पिछले कुछ दिनों में आते हुए देखी है। 1100 के सपोर्ट ले चुका है और वहाँ से हमने लगभग 1195 तक की हाइज देखे हैं। हालाँकि आज के सेशन में हमने गिरावट देखी है, लेकिन मुझे आगे चलते हुए लगता है कि 1140 से 45 का जो एक सपोर्ट जोन है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके करीब अगर दाम मिलते हैं तो वहां से दोबारा प्राइस में उछाल आने की संभावना है, और अपसाइड में 1210 से 1215 तक के न्यू रीसेंट हाईज हमें देखने मिल सकते हैं।